एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी राजवीर सिसोदिया। एंड गाइस, आज मैं तुम्हें लेके चल रहा हूँ मेरे एक छोटे भाई के पास, जिसकी की एज तुम में से बहुत सारे लोगों से सिमिलर होगी, मतलब कि 23 साल का है। और लास्ट ईयर जो हमारे मुंबई में एमेचर मिस्टर ओलंपिया हुआ है, उसमें सेकंड प्लेस इसने मारी थी। प्रो कार्ड मिलता मिलता रह गया था, तो इसको भी बड़ा दुख था उस चीज़ का, और हम लोगों को जो इसको प्यार करते हैं उनको भी बहुत दुख हुआ। तो आपको मिलवाऊंगा आज उससे, बहुत दिनों से बात नहीं हुई थी। आज ना मतलब 2-3 दिन से बोल रहा भैया आ जाओ घर पे, मटन बनाऊंगा आपके लिए, साथ में डिनर करेंगे। तो कई दिन से मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा था। अभी मैं तैयार तो वर्कआउट के लिए हो रहा था, लेकिन भूल गया। फिर उसका कॉल आ गया कि भैया आ जाओ, तो मैंने कहा वर्कआउट कल से कर लेंगे, आज इसको मिलना ज़रूरी है। तो चलते हैं, बहुत मोटिवेशन मिलेगी। पूरा वीडियो देखना एंड तक, इससे सुनवाऊंगा कुछ ऐसी बातें, कुछ मैं भी बताऊंगा आपको रास्ते में इसकी बातें, इससे भी सुनवाऊंगा कैसे स्ट्रगल करके आज वहाँ तक पहुँचा है, बहुत ऊपर पहुँच चुका है। और मैं तो यही प्रे करूँगा कि बहुत ऊपर जाए, और आप लोगों से भी विनती करूँगा कि प्रे करना, नीचे कमेंट्स में विशेष देना कि बहुत ऊपर जाए और बहुत नाम कमाए हमारे इंडिया के लिए, प्रो कार्ड लेकर आए ऊपर वाले मिस्टर ओलंपिया से। ठीक है, तो चलते हैं, कुछ रास्ते में बातचीत करते हुए चलेंगे, और वहाँ जाके इससे मिलवाता हूँ, इसके स्ट्रगल आपको सुनवाता हूँ कि कैसे कैसे स्ट्रगल किया है। मतलब अभी 2 साल पहले स्टूडेंट था बीटेक का, अभी एमेच्योर मिस्टर ओलंपिया, बहुत बड़ी बात है। तो चलो मिलते हैं, चलते हैं, लेट्स गो। मैं आ गया हूँ यीशु के घर। तो बात शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। शेरू क्लासिक गोल्ड मेडल, एमेच्योर ओलंपिया ब्रॉन्ज और एमेच्योर ओलंपिया सिल्वर। इसी कहानी में तुम्हें बताता हूँ, मतलब अब जब बताऊँगा आधे लोगों को ये लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ। देखो यार, मैंने कभी अपनी एज नहीं छुपाई, तो उसकी क्यों छुपाऊँगा? जब मैं 28 साल का हूँ तो मैं उसको अपनी ही भी एज 23 साल बता सकता हूँ ना। अब जब वो यहाँ बैठेगा तो आपको लगेगा ऐसे कि भाई कोई 30 साल का बंदा है, इतनी तगड़ी बॉडी है, इतने अच्छे आर्म्स है, इतने अच्छे शोल्डर्स हैं, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। झूठ बोलने कोई रीज़न नहीं है। मैं 2-3 साल पहले की बात बताता हूँ आपको। ये था बीटेक के सेकंड या थर्ड ईयर में। तो मैं कोई अपनी वाहवाही के लिए नहीं, एक मैसेज देने के लिए आपको बता रहा हूँ बात, एक इंसान का स्ट्रगल बता रहा हूँ। तो उस टाइम पे ना क्या होता है, जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, बीटेक में होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते बॉडी बिल्डिंग के लिए बिल्कुल भी। तुम्हारे भी नहीं करते होंगे, मेरे ने भी नहीं किया था, इसके ने भी नहीं किया था। तो एक बार क्या हुआ, छोटा सा किस्सा सुना रहा हूँ। मेरी शॉप थी सप्लीमेंट की, ये जिम करता था मेरे साथ ही। तो ये दो दोस्त थे, उनमें से एक मेरा भी दोस्त था और इसका भी दोस्त था। तो एक प्रोटीन खरीद रहा था, वो मेरी शॉप पे था 5,000 रुपये का, और कहीं पे था 4,000 का। तो ये दोनों गए, इन दोनों ने एक प्रोटीन खरीदा, याद है, इन दोनों ने एक प्रोटीन खरीदा, वहाँ से ये प्रोटीन लेके आया। इसके दोस्त ने बोला मैं तो राजवीर भाई से ही लूँगा, क्यों वो रीज़न मुझे पता नहीं, लेकिन मैं राजवीर भाई से ही लूँगा। उसने मेरे पास से लिया। अब जब इसने अगले दिन प्रोटीन पिया ना, इसको हो गई उल्टी। तो नेक्स्ट डे मेरे पास आया, भैया मेरे पैसे ख़राब हो गए और मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है और मेरा बजट भी इतना नहीं है, मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते, आप प्लीज़ अपना एक नया डब्बा खोल के मुझे दिखा दीजिए। क्योंकि उसने मुझे चैलेंज किया सप्लीमेंट वाले ने कि अगर यही डब्बा कोई और चीज़ आप लेके दिखा देते हो तो मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा, मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे। तो मैंने कहा यार चल ठीक है खोल ले, इसको खोल के दिया, वहाँ से इसके पैसे वापस मिल गए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक इंसान ऐसी कंडीशन देख के कि 4,000-5,000 रुपये भी बहुत बड़ी चीज़ है, और ऐसे लेवल पे चला जाता कि एमेच्योर ओलंपिया, आपको पता है कितना बड़ा स्टेज होता है, शेरू क्लासिक कितना बड़ा स्टेज होता है, ये इतनी सारी शील्ड्स इसने जीती हुई हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि एक इंसान के लिए 5,000 रुपये इतनी बड़ी चीज़ है कि वो बंदे की आंखों में आंसू हैं कि भैया मेरे को किसी ने फ्रॉड कर दिया है, आप प्लीज़ मुझे हेल्प कर दो। और एक टाइम पे जाके इतने बड़े बड़े मेडल्स, इतनी बड़ी बड़ी शील्ड, इतने बड़े स्टेज की लेकर आया गोल्ड अपने, मतलब इंडिया का नाम रोशन करेगा एक दिन जाके। तो वो मैं बताना चाहता हूँ कि वो स्ट्रगल क्या है, वो जुनून क्या है, कि एक इंसान कभी अपने दिमाग में कोई बात बैठा लेना कि मुझे ये काम करना है, तो उसको करने से भगवान भी नहीं रोकता। तो ये मोटिवेशन मैं आपको देना चाहता हूँ, और इसके पीछे स्ट्रगल कैसे रहा है वो मैं आपको इशू से ही बतवाता हूँ। 23 साल का बंदा है, जिनको सही लगे मेरी बात ठीक है, जिनको नहीं लगे भाई कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर सकते। तो बुला रहा हूँ इशू को, आपको मिलवाता हूँ, स्ट्रगल बतवाता हूँ आपको कि कैसे कैसे कहाँ से शुरू किया है और किस लेवल तक जा चुका है अभी। कहाँ 5,000 रुपये भी बहुत बड़ी चीज़ थी, अभी अच्छा खासा सेटल हो चुका है, बहुत अच्छा नाम कमा रहा है, बहुत ब्लेस्ड है, अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, लोगों को ट्रेनिंग भी देता है ऑनलाइन ट्रेनिंग, और बहुत सारे ब्रांड्स के साथ भी कनेक्टेड है, तो अच्छे खासे पैसे कमा रहा है। तो यही चीज़ समझा रहा हूँ कि किस तरह से आप भी आगे बढ़ सकते हो अगर आप मेंटली फोकस्ड हो। तो यीशु को बुला रहा हूँ, उससे सुनवाता हूँ आपकी उसकी स्ट्रगल स्टोरी। यीशु आ जाओ। तो ये है मेरा भाई यीशु। पहले मैं बोलूँगा राजवीर भाई, सबसे पहले चीज़ की थैंक यू, आप हम जैसे एथलीट को एक फेम मुहैया करवाने के एक जरिया हैं जिसके वजह से हम कमा पाते हैं। और दूसरी चीज़ मैं राजवीर भाई के बारे में बोलूँगा, मैंने बहुत पहले से जानता हूँ और ये बहुत ही हम्बल आदमी है, और एक प्रॉपर एक हम्बलनेस के साथ एक प्रोफेशनल आदमी है।
सो इन्होंने कभी भी ऐसी बात नहीं कि इन्होंने सपोर्ट नहीं किया हो, कुछ पूछा हो तो नॉलेज इन्होंने शेयर नहीं किया हो। और ये आज आप लोग यूथ के साथ जो नॉलेज शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग सही डायरेक्शन में है। भाई को, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड में, और होपफुली हम दोनों को इंस्टाग्राम पे भी कीजिए। इसकी इंस्टाग्राम आईडी और यूट्यूब चैनल का लिंक मैं डालूंगा नीचे, आप जाके फॉलो करना। किसी को प्रो लेवल पे जाके तैयारी करनी है तो पीटी ले सकते हो, या छोटे मोटे टिप्स चाहिए तो वो फ्री में भी दे देता है, इतना हम्बल है। अगर मेरा ही भाई है तो उतना हम्बल है कि कुछ आपको पूछना तो आप जान सकते हो। दूसरी चीज़, आधे लोग मुझे ये बोलते हैं कि मैं स्टेरॉइड्स प्रमोट करता हूँ। मैंने आज तक कभी अपने चैनल पर स्टेरॉइड्स प्रमोट नहीं किए हैं, और मैंने हमेशा अपना सच बताया कि हाँ भाई, हम तो ले लेते हैं कभी कभी। भाई मैं एथलीट्स, मेरे भाई हैं इतने सारे, ये है, ये तो छोटा है, बड़े आपने देखे नहीं अभी, बड़े भी बहुत सारे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 23 साल का बंदा है, इतने बड़े बड़े मेडल जो लोग ना 10-10, 12-12 साल से मेहनत कर रहे हैं, इसका सपना देख रहे हैं गोल्ड मेडल लाने का, ओलंपिया स्टेज का सिल्वर मेडल लाने का, वो बंदा जाके स्टेज जाके कम्पीट कराया, मेडल ले आया, और आधी दुनिया ना यहाँ यूट्यूब के ऊपर नेटी नेटी के चक्कर में रह गई, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। तो खैर ये चीज़ें छोड़ते हैं, स्ट्रगल जानेंगे थोड़ा सा कि मम्मी पापा ने कॉलेज लाइफ में सपोर्ट किया नहीं, आज इतने बड़े लेवल पर है, ओलंपिया स्टेज पर जाकर अमेच्योर सिल्वर मेडल लाना बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग गोल्ड ही एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि इसकी कंडीशनिंग इतनी अच्छी थी, जेनेटिकली बहुत ब्लेस्ड है। अभी पोजिंग भी करवा के दिखाऊंगा, हालांकि ऑफ चल रहा है अभी डाइट से भी, लॉकडाउन का टाइम है आपको पता है, कोई नहीं हुआ एथलीट ही कैसा जो ऑफ में भी जिसके बाइक में फूल है देख रहे हो जो तो पोजिंग भी दिखवाऊंगा। पहले इशू कैसे रहा, मतलब एक टाइम की 2000-3000 में तो शुरू से देख रहा हूँ, मेरे को 2000-4000 भी इतने बड़े लगते थे, और उसके बाद ये मेडल शायद इनको नहीं पता होगा लेकिन मुझे पता है कि इसके लिए कितनी मेहनत लगती है, कितना सप्लीमेंटेशन लगता है, महीने का कितना कितना खर्चा लगता है, और उस प्रो लेवल पे बॉडी को ले जाने में कम से कम 5-5, 6-6 लाख रुपए भी खर्च होते हैं एक गेम के। तो वो जो सफ़र रहा है ना, 2500-3000 से लेके 5-6 लाख अपनी बॉडी पे लगा देना, लाइफस्टाइल तो अलग चीज़ हो गई, बॉडी पे लगा देना, वो मैसेज दिलवाना चाह रहा हूँ। क्योंकि मेरे को ना बहुत सारे तेरी एज के बंदे देखते हैं, 22-23 साल के, जिनका सपना है, और वो ये डर जाते हैं कि हमारे तो मम्मी पापा सपोर्ट नहीं कर रहे, हमारे पास तो पैसे का सोर्स नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम कैसे कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। तो वो मैसेज तेरे थ्रू दिलवाना चाहता हूँ। मैं बोलूँगा तो इनको लगेगा कि भाई तुम्हारे पास तो पैसे ही है, वो एग्जाम्पल सेट करके इनको बताओ कि कैसे मोटिवेटेड रहे, कैसे अपने गोल्स को अचीव करें। सबसे पहले राजवीर भाई, जितने भी बंदे हैं नेचुरल की और अननेचुरल की बात करते हैं, नेटी की और स्टेरॉइड एनहेंस एथलीट की, सबसे पहली चीज़ गाइस, स्टेज पे जब आप कंपीट करते हो ना तो वहाँ पे कोई नेचुरल नहीं है। अगर कोई नेचुरल नहीं है तो अगर आप नेचुरल जाओगे तो हारोगे, ये गेम फेयर नहीं है। आप पहली बात, आप स्टेरॉइड को ही हर चीज़ मानते हो, जबकि आप एक प्रोफेशनल जो बड़े लेवल का एथलीट है ना, वो डाइट को प्रेफरेंस देता है सबसे ज़्यादा। डाइट यार, हमें इस गर्मी में आदमी को खाया नहीं जाता, लेकिन मैं ठूस ठूस के भी ना करीबन 200 ग्राम और 200 ग्राम राइस, चिकन 200 ग्राम राइस कम से कम 3-4 बार लेता हूँ दिन में, अलग अलग सोर्सेज हों प्रोटीन के। तो आप पहली बात डाइट को, आप पहली बात जब जिस दिन से आपने पहली बार डाइट को प्रेफरेंस दिया, उस समय से आपकी बॉडी ग्रो करेगी। और सर जैसे कह रहे थे कि आपकी सपोर्ट की बात, सपोर्ट घर वालों ने फाइनेंशियली उतना ज़्यादा नहीं किया, और उन्होंने ऐसा नहीं था कि सपोर्ट, जैसे हर घर वाले कहते हैं कि मेरा बेटा तगड़ा लगे दूसरों के अच्छा लगे। अब घर वालों का, आधे लोग घर वालों को भी गाली बकते हैं, घर वालों का सपोर्ट ना करने का रीज़न ही होता है, ये भी इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियर हूँ, और बहुत सारे इंजीनियर देख रहे होंगे। देखो घर वालों की टेंशन उनके हिसाब से बिल्कुल ठीक होती है, कि उनको ऐसा लगता है कि पढ़ लिख लेगा, इंजीनियरिंग करके जॉब करेगा तो कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा। लेकिन बॉडी बिल्डिंग वाली गेम उनको समझ में नहीं आती, हमसे जो पिछली जनरेशन है उनको समझ में नहीं आती, उनको ऐसा लगता है कि बॉडी बना के करेगा क्या, खाएगा कहाँ से, उनको समझ में नहीं आता। तो ये हमको अपने आप से, किसी को सक्सेस, किसी को कोई सपोर्ट नहीं करता, ये कितना भी पैसे वाला है घर वाले नहीं देंगे, मैं कितना भी पैसे वाला हूँ घर वाला सपोर्ट नहीं करेंगे कि ले बेटा 5000 रुपये ले और प्रोटीन का, वो अपने आप करना पड़ता है। मैंने जो भी किया, मैंने खुद अपने आप किया, इसने जो किया इसने खुद, और बहुत लाखों करोड़ों एथलीट ऐसे हैं जो अपने बलबूते पर कर रहे हैं। तो इशू कैसे शुरू किया? देखो भाई, जब मैंने पहली बार स्टार्ट किया था तो घर वाले उस वक्त में जिम का सपोर्ट करते थे, जो थोड़ा बहुत पैसे होते हैं 5-6 हज़ार रुपये महीने के देना, वो देते थे। लेकिन जैसे जैसे आशाएं बढ़ती गईं, तब फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं थे मेरे घर वाले, क्योंकि उन्होंने पढ़ाना भी था, सब कुछ आने जाने के एक्सपेंडिचर, लाइफ एक्सपेंडिचर, हर चीज़, तो उतना नहीं कर पाते थे सपोर्ट। फिर धीरे धीरे मैं इतना पैशनली मैंने फॉलो किया बॉडी बिल्डिंग को, जब मैं इंजीनियरिंग में था सबसे पहले मैंने पढ़ाई की, जो कि मेरा एक पिलर बना कि जिससे मैं सीख सका, मैं स्मार्टली मूव कर सका। बाकियों के कंपैरिजन लोग 10-10 साल तक बॉडी बिल्डिंग करते हैं, कुछ नहीं पाते, बिकॉज वो प्लानिंग नहीं करते, दूसरी चीज़ स्मार्टली वर्क नहीं करते। ये दो चीज़ों की कमी हो जाती है एथलीट्स में।
तीसरी चीज़ कि वो बस एनहेंसर्स को ही बस प्रमोट करते हैं और उसको ही मेन जरिया मानते हैं कि उसी से ही बॉडी बनेगी, जो कि सबसे गलत चीज़ है। तो घर वालों ने मेरा ऐसा नहीं था कि सपोर्ट नहीं किया, मेंटली कभी उतना ज़्यादा टॉर्चर नहीं किया, लेकिन एक होता है ना कि घर वालों का टेंशन रहता है, जैसे आपने बोला कि वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा पहले सेटल हो, सेटल हो और फिर उसके बाद ये सब चीज़ें करें तो अच्छी भी लगती है। लेकिन अब उस एज में या तो हम सेटल हो सकते हैं या तो अपने जो आशाएं हमारे जो सपने उनको जो एम्बिशन है उसको पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, हॉबी है जो ड्रीम है। तो पहली बार जो कीड़ा जागा कि पहले तो होता है ना कि हम लोग वर्कआउट क्यों शुरू करते हैं कि टी शर्ट डोले पे थोड़ी टाइट आना शुरू हो जाए और हम कूल रूल दिखने शुरू हो जाए, लेकिन कुछ लोग वहीं तक रह जाते हैं और कुछ लोगों के दिमाग में कीड़ा घुस जाता है कि अब तो मुझे बॉडी बिल्डर ही बनना। तो तेरे दिमाग में ये चीज पहले मैंने भी यही सोचा था कि मैं पढ़ाई करूंगा फिर बाहर जाऊंगा एमएस करूंगा और बाहर जाके सेटल हूंगा या इंडिया में सेटल हूंगा, व्हाटएवर पैकेज जो भी मिलेगा कमाऊंगा अच्छा खासा। बट जस्ट मैंने 2018 में शेरू क्लासिक शो जीता था, मुझे पता नहीं था कि इतना बड़ा शो है, मुझे पता था बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा मुझे पता था, लेकिन मैं गया और फर्स्ट रैंक आया। मेरा पहली दूसरा शो था, दूसरा तीसरा शो था जिसमें पहली बार गोल्ड आया था मेरा, मैंने स्टेज पर भी कहा था। तो उसके बाद मैं इतना ज़्यादा मोटिवेट हुआ कि यार मैं इन सबसे जीत सकता हूँ स्मार्टली वर्क करके, तो ऐसा क्यों नहीं मैं आगे क्यों ना मैं बॉडी बिल्डिंग ही एक करियर चूज करूं। और मेंस फिजिक एक ऐसा चीज़ है कि इसमें आप एक फिटनेस मॉडल भी अच्छा खासा बन सकते हो। एक फिटनेस मॉडल क्या होता है कि यार शक्ल सूरत भगवान ने अच्छी दी है और एक जेनेटिक्स भी अच्छे हैं, तो एक उस तरफ भी मैंने सोचा कि उस प्रोस्पेक्टिव से भी कि अगर बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस मॉडलिंग दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो एक अच्छा करियर मेरा बन सकता है। किसी को आप पे भरोसा हो ना हो, आपको अपने आप पे भरोसा जरूर होना चाहिए कि आप सक्सेस पाएंगे नहीं पाएंगे। दुनिया तो बोलती है, घर वालों को भी नहीं पता होता, क्योंकि वो घर वाले आपका नहीं जानते, आपकी फीलिंग को, आपके सपनों को नहीं समझते। तो आपको अपने लिए एक स्मार्टली मूव करना पड़ेगा। पहली बात, अपने आपको एजुकेट कीजिए। और पैसा कभी भी सर बॉडी बिल्डिंग फील्ड में कभी भी ना मेरे लिए एक बड़ा वो नहीं बना। अगर मेरे पास 1,00,000 रुपये तो मैं 1,00,000 रुपये लगा दूंगा, अगर मेरे पास 15,000 रुपये हैं तो मैं महीने के 15,000 से भी बॉडी बना सकता हूँ, सेम बॉडी बना सकता हूँ। क्योंकि डाइट को आप प्रेफरेंस नहीं देते, स्टेरॉइड हर स्टेरॉइड आपको उतना ही ग्रो करेगा गाइस, ये नहीं कि आपने ये डाल दिया तो रात रात फट जाओगे। स्टेरॉइड का बस एक काम होता है, मसल बिल्ड करना। आप कुछ भी डालो, कम डालो ज़्यादा डालो, बॉडी यूज टू एक टाइम के बाद होनी ही होनी है। तो एक साइकिल, एक एथलीट बहुत स्मार्टली मूव करता है, आप समझ नहीं सकते। जो जिन चीज़ों को काउंटर करना होता है, जिन चीज़ों से लोग सफ़र करते हैं, वो लोगों को नहीं पता। और प्रोफेशनल की बात रही गाइस, दूसरी चीज, फिटनेस इज बॉडी बिल्डिंग, बट बॉडी बिल्डिंग इज नॉट फिटनेस। ये चीज आप exactly. समझ लीजिए, डिफरेंस समझ में नहीं आता। आधे लोगों को लगता है कि हम फिट रह सकते हैं बिना स्टेरॉइड के, और आधे लोग इसी चीज को प्रमोट करते हैं कि बॉडी भी बिना स्टेरॉइड के बन सकती है। बॉडी बन सकती है, नो डाउट, बिल्कुल बन सकती है, जिनके जेनेटिक्स अच्छे होते हैं। बहुत सारे लोग हैं, मैंने उमेश भैया दिखाए थे आपको मेरे वीडियोस में, किसी दिन मिलवाऊंगा अभी। बॉडी अच्छी हो सकती है, लेकिन स्टेज पे अगर आपको जाना है ना, तो वो बॉडी अचीव आप नहीं कर सकते ना। जो सबसे बड़ा जो एज के ये 22-23 वाले बच्चों का जो क्वेश्चन होता है ना, वो ये होता है कि आप बॉडी बिल्डिंग में घुसे तो वो साले पैसे वाले रास्ते कैसे खुले, पैसा कैसे आना शुरू हुआ। ये आपने कहा तो 5,000-5,000 रुपए के प्रोटीन नहीं खा पा रहे थे और अब तुम धनाधन पैसे लगा रहे हो, एथलीट बन गए हो, बात नहीं है कहाँ से कैसे उसका वो थोड़ा सा देखिए सर, ऊपर भोले बाबा बैठे हैं, उन्होंने जो भी दिया है बहुत दिया है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत ज़्यादा देंगे, बाद में शायद अपनी मेहनत से ही पाऊंगे, लेकिन उन्होंने एक रास्ता मुझे ज़रूर दिखा दिया है। पहले जब मैंने 2018 का शो जीता था, तब 10-12,000 मेरा एक्सपेंस होता था, क्योंकि बहुत थोड़ी बहुत चीज़ों से ही मैंने चीज़ों को करना स्टार्ट किया था। फिर जस्ट मैं जब वो शो जीता, और तरुण गिल सर को जानते होंगे, उनके साथ मेरा इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने भी, आप जैसे यूट्यूबर हैं तो उन्होंने भी मुझे बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो वहाँ से फिर मेरे पास क्लाइंट्स आने लगे, जैसे ही मैं शो जीता उसके बाद उनके पास इंटरव्यू हुआ, उसके बाद मेरे पास क्लाइंट्स आने लगे। फिर धीरे धीरे मैंने अपना जैसे जैसे पैसा लगाया, क्वालिटी और अच्छी होती गई। मेरा ये नहीं था कोई खर्चा कि मैं गलत जगह जा रहा हूँ या रात को घूम रहा हूँ या पार्टी कर रहा हूँ, जो भी दोस्तों के साथ भी टाइम नहीं देता था। जो भी पैसा आता था पहले बॉडी बिल्डिंग पे, पहला प्रायोरिटी बॉडी बिल्डिंग, जो बचा उसके फिर अपने शौक पूरे किए, ये सबसे पहली चीज़ होती थी। तो इसी तरीके से धीरे 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 क्लाइंट्स बढ़ते रहे, शो आते रहे, मेडल्स आते गए, धीरे धीरे और बंदे मेरे से जुड़ते गए, फिर चारों तरफ से पैसे आने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन ये इतना नहीं होता, क्योंकि एक बॉडी बिल्डर का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, वो बचा नहीं पाता। अगर वो 10 लाख भी कमाता है तो 10 लाख रुपये लगा देगा, लगाएगा कैसे, वो बाहर जाएगा खेलने, समझ रहे हैं सर? समझ गए, वो बाहर जाएगा खेलने, तो 10 लाख रुपये उसके यूज़ हो जाएंगे। कभी भी एक बॉडी बिल्डर ये नहीं कि पैसे बचा के प्रॉपर्टी खरीद रहा है, गाड़ी खरीद रहा है, नहीं। तो ये चीज़ होती है। तो आपको एक स्मार्ट भी बनना पड़ेगा, और पैसे तो देखो लगते नहीं है, लेकिन आप स्लो स्लो करो, अपने आप को एक प्लान बनाओ, एक शॉर्ट टर्म प्लान बनाओ, एक लॉन्ग टर्म प्लान प्लानिंग करो, और एक गोल रखो जिसको आप धीरे 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 अचीव करोगे ना, तो जाके आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो समझे बात, और
तीसरी चीज जब शुरू में शुरू करते हैं ना तो सारे लोग हंसते हैं, है ना, हंसियों के तेरे ऊपर भी यार क्या बीटेक कर रहा है स्टेज पे जाके। आपको मैं एक बात बताऊंगा सर, आप सबसे पहली बात जितने भी दर्शक देखेंगे ना, पहली बात मेरा ना हाथ ही टूटा हुआ देखिएगा, हां ये स्टार्ट भी बचपन से टूटा हुआ है और ये चीज मेरी कमजोरी नहीं है, मेरी ताकत है, मैं इसे मानता था। लोग एक बार क्या हुआ, मैं फिटेक्स की तैयारी कर रहा था 2018 में, तो उसने कहा भाई टॉप, मैंने उसे बोला भाई पता तेरा भाई गोल्ड लगा, क्योंकि मैंने आपसे गोल्ड से नीचे कभी सोचा नहीं है। तो उस बंदे ने पता क्या बोला मेरे पीछे से जाते हुए, लूला कहलाएगा। ऐसे हंसते हैं लोग, बनते हैं तो हंसते हैं लोग, लेकिन फिर जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो, अभी इतने सारे मेडल्स आ गए, इतनी सारी ट्रॉफीज, दो तीन ट्रॉफीज टूट गई हैं, तो मैं वो दिखा नहीं पा रहा हूँ, आधी यहाँ पे रखी हुई है, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, टूट गई, वो शिफ्टिंग के वक्त टूट गई थी थोड़ी बहुत, जैसे शिफ्टिंग वगैरह की है, टाइम टूट गई थी, वो शिफ्टिंग के वक्त ही टूट गई, जैसे शिफ्टिंग वगैरह की है तो टूट भी गई है, तो इतनी सारी ट्रॉफीज है, इतने सारे मेडल्स हैं, तो अभी लोगों का नजरिया बिल्कुल चेंज हो गया होगा, है ना, माँ बाप भी सपोर्ट कर रहे होंगे और दोस्त भी, सबसे ज्यादा माँ बाप खुश होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं ना कि अभी भाई हमारी जो औलाद थी वो सेटल होने की कगार पर है, अभी दिख रहा है पैसा भी कमा रहा है, अपने आप सब कुछ कर रहा है और एक अच्छे शॉप में है। बॉडी बिल्डिंग ही मैं कहूँगा कि ऐसी चीज है जिसके लिए कि आपको अच्छे दोस्त रखेंगे ना, अब ऐसा नहीं है कि मैं इसका दोस्त हूँ, मैं दारू पीता हूँ और ये मेरे साथ दोस्ती रखेगा और वो चलेगी, क्योंकि मुझे शाम को डेली दारू चाहिए, इसको बर्गर चाहिए, तो हमारी बैठेगी नहीं, जुगलबंदी नहीं बैठेगी ना, अच्छे दोस्त हैं, अच्छी आदतें हैं, अच्छा खा रहा है, अच्छा वर्कआउट कर रहा है, मेहनत कर रहा है, राइट पाथ पर, सबसे पहला माँ बाप के लिए ये प्राउड होता है। दूसरा जो लोग शुरू में मजाक उड़ाते थे, इताला चड्डी पहन के स्टेज पे खड़ा हो गया, बीटेक कर रहा है, देखो उनका क्या नजरिया हो जाता है बाद में, सर पहली बात सक्सेसफुल होने के बाद, आज तक बातें मुझे पता चली हैं कि जब आदमी सक्सेसफुल बनता है ना, हाँ। तो उसको नीचा दिखाने के लिए जो पीछे लोग होते हैं ना, बुराई जरूर करते हैं, जरूर दूसरों के सामने मतलब बड़ा बनना चाहते हैं। मान लीजिए ईशो ठाकुर पीछे है कहीं दूर है अपने घर, हाँ। पे हम दोनों बैठे हैं, मैं तो बोलूंगा यार उसकी तो वो छोटा हो गया, उसका तो वो हो गया, उसको तो वो नहीं होता, उसका फलाना ढिकाना, चड्डी पहन के घूमते हैं, बीटेक कर रखा है, क्या करते हैं, तो ये सब बातें होती रहती है। बात है कि आप इनको, अगर आप इंटेलिजेंट है तो आप इन सब चीजों को इग्नोर करेंगे, है ना गाइस। आज के जमाने में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है ना, बॉडी बिल्डिंग इतना ज़्यादा डेप्थ नॉलेज हो चुका है आजकल इंटरनेशनल लेवल पे, आप जितने भी एथलीट देखेंगे यार किसी को भी इन सब चीज़ों से गुजरना नहीं पड़ता। आप यूज़ करते हो या एब्यूज़ करते हो वो चीज़ मैटर करती है, अगर आप स्टेरॉइड यूज़ करते हो तो वो एक प्रोफेशनल, अगर आप एब्यूज़ करोगे, आप एक टाइम पीरियड तक नहीं चलाओगे, बहुत सारी गलतियाँ करोगे, इग्नोर करोगे चीज़ों को, तो प्रॉब्लम होनी ही होनी है, जितने भी अच्छे जेनेटिक्स हों उस चीज़ को आप काउंटर नहीं कर पाओगे। तो अभी बातें बहुत सारी हो गई, अब ईशू की बॉडी आपको दिखवाता हूँ, थोड़ी सी पोजिंग दिखवाता हूँ भाई, एमएचआर एलोपिया लेवल का बंदा है, स्टेज खेला हुआ है, तो कितना परफेक्शन है पोजिंग में, बहुत ज़्यादा जो चीज़ होती है ना, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपकी बॉडी कितनी भी सुंदर है, आप कितने भी जेनेटिकली ब्लस्ड हो, अगर आप स्टेज पर जा रहे हो ना और आपको उसको शोकेस नहीं करना आ रहा अपनी बॉडी को, आपकी पोजिंग अच्छी नहीं, तो आप कहीं ना कहीं भाई पीछे रह जाते हो। जो इसमें बहुत अच्छी है, इसकी शुरू से पोजिंग बहुत अच्छी रही है, मतलब जब इतने मसल्स भी नहीं था, एथलीट भी नहीं था ना, तब से इसकी पोजिंग अच्छी, इसको शौक था शुरू से पोजिंग पता कैसे अच्छी होती है, मैं बताऊँ दिल से होती है। आप पता मैं किसी ये नहीं ऐसे नहीं खेलता, अगर मैं किसी शो की तैयारी कर रहा हूँ ना, तो ये नहीं सोचता कि उससे एक हफ्ते पहले कोई शो है तो वो खेलूंगा, उसके एक हफ्ते बाद शो है तो वो खेलूंगा। मैं करीबन साल भर पहले शो की तैयारी करता हूँ, अगर नेक्स्ट जुलाई में कोई शो है तो आज से तैयारी करूंगा, उसमें पार्ट ऑफ पैराडाइजेशन होता है, उसमें साइकिल कई बार ऑन होता है, कई बार ऑफ होता है, उसमें ग्रो करते हैं, कट करते हैं, तो पार्ट ऑफ प्रायोरिटाइजेशन है जिससे आप हेल्दी रहते हैं। दूसरी चीज, आप कभी भी अगर आप एक एथलीट हो तो कभी भी आप घर बैठ नहीं सकते, पहले आपका वर्कआउट एक लाइफस्टाइल है, उसको आपको करते ही रहना है, जिंदगी भर करते रहना है सबसे पहली चीज। तो वहाँ पे जब मैं स्टेज की तैयारी करता हूँ ना, एक हफ्ते एक महीने पहले से, एक साल पहले से सॉरी, तो मैं सोचता हूँ कि यार स्टेज पे दो मिनट के लिए जाना है, वहाँ अगर मैं 100% नहीं दे पाया तो सारा मेहनत खत्म है। फिर मैं पोजिंग की प्रैक्टिस मैं शीशे के सामने करता हूँ, जब मैं वर्कआउट करता हूँ कौन सी पोजिंग में अच्छा लगता हूँ उस चीज़ को मैं देखता हूँ, फिर उसी चीज़ को पूरे एटीट्यूड के साथ कि यार बस शर्म गई भाड़ में, पूरी दुनिया है, पागल है, इशू इशू चिल्ला रहे हैं भाई, अब तो देना ही है एनर्जी, देना ही है। और पहली बार जो स्टेज पर चढ़ते जो गूस बम्स आते हैं ना, उससे आपका एड्रेनलिन रिलीज जो होता है वही काफ़ी है आपको एक अच्छा पोज देने के लिए, अगर आप सही में अच्छे एथलीट हैं, अगर आपने सही प्लानिंग कर रखी है तो हर चीज़ अच्छा जाएगा। तो चलिए बहुत हो गई बात है, पोजिंग दिखवाता हूँ आपको, इतनी तारीफ की है पोजिंग की तो कुछ तो खास होगा। हाँ अभी तो थोड़ा सा मोटा होगा, थोड़ा बहुत फैट होगा, तो प्लीज सबको पता है भाई हमारा तो तोंदी निकली हुई है, चार महीने से जिम बंद है भाई, उसने भी वर्कआउट नहीं किया, बट घर में कर रहा है, उतना उसके अंदर है पैशन की बॉडी खराब नहीं होने दूंगा। मेरी तरह नहीं है कि घर बैठ के जिम बंद है तो घर बैठ जाओ, आलू के पराठे खाओ, डाइट स्टॉप हो जाओ, तो उतनी है, दिखवाता हूँ पोजिंग आपको, चलो लेट्स गो। चल
सो गाइस पोजिंग देख लिया आपने, यहाँ पे आपको इसका इंस्टाग्राम यूजर नेम दिख रहा होगा और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसके यूट्यूब चैनल का नाम। आपको अगर इसके साथ कनेक्ट होना है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पेज दिख रहा होगा। बहुत मोटिव, कभी कभी क्या होता ना कि मैं मोटिवेटेड नहीं रहता था, मैं खुद इसके फोटोज देख लेता हूँ तो शर्म आ जाती है थोड़ी सी, छोटा भाई कहाँ चल रहा है और हम कहाँ चल रहे हैं पेट निकाल के, तो मोटिवेशन आ जाती है। तो पेज पे एक बार नज़र मारोगे तो आपको भी ऐसे ही मोटिवेटेड फील होगा। और इंस्टाग्राम और यूट्यूब का चैनल जो है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और किसी को प्रो लेवल की तैयारी करनी है, कोई पीटी सीटी लेनी है, गाइडेंस चाहिए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप ले सकते हो। अब इसने बहुत टेस्टी मटन बनाया हुआ है मेरे लिए, मैं खाने जा रहा हूँ, ज़्यादा फ्रेंक मतलब सारे लोग खाता हूँ और फिर आपको मिलता हूँ इसके साथ इस दिन वर्कआउट वीडियो में। और जिस दिन इसकी बॉडी दोबारा से श्रेड होगी ना, फिर दोबारा से लेके आता हूँ, कई वीडियो करूँगा। अभी क्या हुआ था कि बहुत दिनों से ना कॉन्टैक्ट में नहीं था, 4 साल पहले से तो बहुत कॉन्टैक्ट में था, अभी 1.5 साल से मैं अलग यूट्यूब में बिजी था, ये अपना अलग प्रिपरेशन में बिजी था तो मिलना हो नहीं पाया। अभी क्या है, अभी कॉन्टैक्ट में आ गए हैं फिर से, तो और वीडियोज इसके साथ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोज बनाएंगे, धूम मचा देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, मत पड़ो चक्कर में, कोई भी ना है टक्कर में। बाय।